हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरि प्रसाद शर्मा जी का एक ट्विटर अकाउंट खुला है और ये 22 घंटे पहले खुला है, और इसके अंदर मतलब पटवारी एग्जाम को लेकर ट्वीट करे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये फर्जी अकाउंट है, ये अकाउंट सही नहीं है। हरि प्रसाद शर्मा जी को ये चीजें पता चल चुकी हैं कि कोई और ही अपवाद स्वरूप कोई है जो उनके नाम पे फायदा उठाने की सोच रहा है, लेकिन अभी ये अकाउंट डिलीट हो चुका है। इस अकाउंट पे एक्शन लिया जा चुका है। ये अकाउंट किसने खोला है हरि प्रसाद शर्मा जी के नाम से, ये तो पता नहीं चल पाया है। पुलिस अपने आप पता कर लेगी, इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इसने पटवारी रिजल्ट के बारे में न्यूज़ देने की कोशिश करी है फर्जी। बाकी रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो हरि प्रसाद शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ही पता चला है कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक में आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, पटवारी का रिजल्ट है 25 जनवरी के बाद में आएगा। अब इस रिजल्ट को जारी करने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं, ये तो देखो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उनके द्वारा ही जानकारी मिली है कि 25 जनवरी के बाद में ही हम रिजल्ट जारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। कभी बोलते हैं कि रिजल्ट तो तैयार है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी हम कर चुके हैं, बस रिजल्ट निकालना बाकी है, और अब कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद में हम रिजल्ट जारी करेंगे, उससे पहले हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो न्यूज़ तो 25 जनवरी के बाद की मिली है।